अरे यार, स्कूल का होमवर्क खत्म हो गया क्या? अरे नहीं यार, मैं तो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा हूं यार, मुझे भी नीट की तैयारी करनी है। अभी तो मैं 9th या 10th में हूं। अरे यार, स्कूल में तो प्रैक्टिकल का काम भी करना था। अरे एनटीएससी के फॉर्म आ गए क्या? ओलंपियाड्स का फॉर्म भरा क्या तूने? यार, इन सबकी तैयारी कैसे करेंगे? अरे यार, तू टेंशन मत ले, हम लोग साथ साथ कर लेंगे। नहीं हो पाती यार, साथ साथ स्कूल का इतना काम, ओलंपियाड, एनटीएससी, आईआईटी की ड्रीम, नीट की ड्रीम, एंड पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कैसे टाइम निकालूं? Isn't this the story for all of you, my dear kids? क्या यही होता है सबके साथ? बिल्कुल होता होगा, सबके साथ ये होता है। तो आप अगर ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, अगर ऐसी परेशानियां आपको आ रही हैं, बड़ी अच्छी परेशानियां हैं, टेंशन मत लीजिए। मैं आज आया हूं आपकी इन परेशानियों को हल तो नहीं कर सकता, एकदम से सॉल्व नहीं कर सकता, बट गाइड जरूर कर सकता हूं आपको, क्योंकि ये परेशानियां सदियों से चलती आ रही हैं और सदियों तक चलती रहेंगी। ये दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट की, ये दिक्कत है बोर्ड्स यानी कि स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि आपका एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट या जो आपकी बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं लाइफ में, उनको पैरेलली मैनेज करने की। क्योंकि बोला जाता है कि आप अगर 9th-10th में तैयारी नहीं करेंगे, अगर 9th-10th में 2 कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यार आगे जाते हुए। 11th एंड 12th में ना, अगर सारा बोझ उस टाइम उठा लोगे ना अपने ऊपर, तो जो आपकी ड्रीम रैंक है, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहां तक पहुंचने में ना शायद फिर भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, राइट? तो अगर हम अपनी मदद अभी 9वीं 10वीं से करना स्टार्ट करेंगे, अगर 9th एंड 10th में कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली वी मे अचीव आर ड्रीम्स ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स। बट यस माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय सेल्फ साहिल भाटिया, जितने लोग मुझे पहली बारी देख रहे हैं यहां पे, आप ये मेरी तस्वीर देख सकते हैं, सॉरी उल्टी साइड कर दिया था मैंने, ये तस्वीर देख सकते हैं। आज मैं आपको 5 नहीं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले जो लोग मेरे सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल और कॉम्पिटिशन्स को पैरेलली कैसे चलाना है और कौन सी ऐसे तरीके हैं जिससे मेरा स्कूल भी सफर ना हो और मैं कॉम्पिटिशन की तरफ भी कुछ कदम बढ़ा पाऊं। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू माई सेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द लाइक बटन इफ यू हैव यू नो इफ यू आर लाइकिंग मी, इफ माई वॉइस इज कमिंग, इफ आई एम कंप्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल। मैं हूं साहिल भाटिया, आई एम द कॉन्टेंट एंड करिकुलम हेड एट वेदांतु। पिछले 13-14 साल से मैं वेदांतु के फाउंडर्स के साथ एसोसिएटेड हूं टू यू नो ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन एडुकेशन दैट वेदांतु इज डूइंग। आई टीच मैथ्स एंड मेंटल एप्टीट्यूड, राइट, मेजरली टीचिंग यू ऑल मेंटल एप्टीट्यूड ऑन दिस चैनल ऑफ वेदांतु 9th एंड 10th। एंड मैं पिछले 13 साल से एक ही प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा हूं बच्चों, कि 9th-10th या 6th-10th के जो बच्चे होते हैं, जो ड्रीम करते हैं आगे बड़ा करना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिशन में जाना है, ओलंपियाड करने हैं, उनको कैसे गाइड किया जाए, उनको कैसे मेंटरशिप दी जाए, ताकि आपका जो ड्रीम है आप उसको सक्सेसफुली पा सके। तो आज अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर मैं यही करने वाला हूं कि आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप स्कूल और बोर्ड की तैयारी एक साथ कर सकते हैं बच्चों, राइट? तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट, यस, आज थोड़ी सी लाइव चैट नहीं है, बट कमेंट्स आपके पास हैं, लाइक का बटन आपके पास है, शेयर का बटन आपके पास है, सब्सक्राइब का बटन आपके पास है। तो प्लीज, अगर आप वेदांतु को प्यार करते हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद है, लाइक बटन अभी के अभी ठोक दीजिए बच्चों, ताकि ठोको लाइक और आगे हम बढ़ पाए, बहुत सारे लाइक्स आए, हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। कूल, एंड वन मोर थिंग बिफोर आई बिगिन, हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम का चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम सिर्फ फाउंडेशन की बातें करते हैं, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स की बातें करते हैं, उसके क्विजेस करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर्म्स के बारे में बताते हैं। वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल पे, आ जाइए 9th और 10th के, वरना टेलीग्राम पे सर्च मार के सीधा अपने आप चीजें कर सकते हैं, राइट? क्लियर? चलिए, सो माय डियर किड्स, स्कूल कंपटीशन, बोर्ड, सब्जेक्टिव एग्जाम, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म्स, प्रैक्टिकल्स एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा कबाड़ा हो जाता है लाइफ में हमारी, है ना, बड़े पंगे पहनते हैं यार। यस, आई एम अ पंजाबी, दोज हु कम रेगुलरली टू माय सेशंस दे नो मी, तो मैं बीच बीच में पंजाबी टेंस यूज करता रहूंगा। बड़े पंगे हैं यार जीवन में, इजंट इट, कि यार छोटी सी जान है हम, 9th-10th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें बड़े बड़े सपने हैं हमारे, हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, और उसके लिए सब लोग कहते हैं मेहनत करो। मैं करना भी चाहता हूं मेहनत, पर
बड़ी दिक्कत हो जाती है जब स्कूल और कंपटीशन दोनों पैरेलल ही आ जाता है, क्योंकि दो थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं बट काफी सिमिलर हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, काम तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आ पाए, राइट? बिकॉज दिस इज माई फील्ड, दिस इज माई एक्सपर्टीज, माई डियर किड्स। बहुत बच्चों को IIT भेजा है, बहुत बच्चों के नीट क्लियर कराए हैं, बहुत लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं कि द ट्रिक्स एंड द टिप्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, राइट? So, पहली चीज जो यहां पे लिखी हुई है, ऐसे नहीं, ये तो जस्ट एक स्टार्ट है, मैं आप उस पे आऊंगा। कॉन्फिडेंस, बिलीफ एंड प्रैक्टिस, बेसिक चीजें हैं यार, सबको पता है, बट बार बार रीट्रेड करना बहुत जरूरी है। क्या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है? नहीं है तो लेके आइए। क्या आप बिलीफ रखते हैं खुद के ऊपर? क्या आपके अंदर से वो आवाज आती है? क्या आपके अंदर वो बिलीफ है कि आप भी अच्छा कर सकते हैं लाइफ में? क्योंकि अगर बिलीफ नहीं है ना, फिर कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो बिलीफ लेके आना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे वीडियोस करता हूं, आप मेरे पुराने वीडियोस देखें एंटरप्रेन्योरशिप के, IIT JEE की ड्रीम के ऊपर, मेंटल एबिलिटी के, हर जगह मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं, आप सबके अंदर पोटेंशियल है एंड आप बहुत अच्छा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो बिफोर वी मूव अहेड, पहले हम समझते हैं कि मैनेज तो दोनों को कैसे करना है, दोनों के बेसिक डिफरेंसेस समझ लें, क्योंकि काफी चीजें तो आपको पता है बट कई बिल्कुल माइन्यूटेस्ट चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्क क्या है यार, क्या फर्क है, क्या है ये दोनों अलग अलग? क्यों होता तो 9-10 ही है, NTSC में भी 9-10 आता है, 11-12 JEE नीट में भी 11-12 की NCERT का सिलेबस आता है, फिर इतनी दिक्कत क्यों है यार? दिक्कत है नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में, उसमें दिक्कत नहीं है, आपके लिए वो दिक्कत बन जाती है ना, आपके लिए वो पंगा पड़ जाता है, राइट? तो लाइक ठोकिए इसी बात के ऊपर और कमेंट्स में प्लीज डालते जाइए आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस, ताकि मैं और कैसे ऐसे वीडियोस लाऊं जिससे आपको और हेल्प मिल सके। तो नेचर ऑफ एग्जाम क्या है, बैलेंस करना बात की बात है, बोर्ड एग्जाम का पर्पस ही बहुत अलग है। बोर्ड एग्जाम का पर्पस है फिल्टर गुड स्टूडेंट्स, एक्चुअली फिल्टर भी नहीं करता, ऑनेस्टली मैं बताऊं, बोर्ड एग्जाम का पर्पस है इंडिया की लिटरेसी रेट को ऊपर रखना, राइट? इंडिया का करिकुलम सिस्टम आगे चलता रहे, इंडिया में बहुत सारे बच्चे लिटरेट होते रहे, पढ़े लिखे कहलाएं, उनको जॉब्स मिल सके, उनको सर्टिफिकेट्स मिल सके, दे शुड बी एडुकेटेड। एनी डेवलपिंग नेशन और एन अंडर डेवलप्ड कंट्री और इवन अ डेवलप्ड कंट्री, ऑलवेज द गवर्नमेंट हैज एन एजेंडा, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने इलिटरेट्स हैं, इलिटरेट्स नहीं होने चाहिए कंट्री में क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बोर्ड जो है ना पूरा का पूरा, ऑल्दो दे टेक केयर, NEP आया है, नए नए चीजें लेके आते हैं, कोडिंग लेके आ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल उसका जो ओवरऑल ढांचा है ना वो बना हुआ है आपको गुड लाने के लिए, 90% ले आओ, 95% ले आओ, 85% ले आओ, मेरिट दे देंगे, डिस्टिंक्शन दे देंगे, बट दिस इज नॉट एनफ टू डू वेरी वेल इन लाइफ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हर फील्ड में है, दीज एग्जाम्स आर डिजाइन टू फिल्टर एक्सीलेंट स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा पाते हैं, तो दोनों के नेचर में बहुत फर्क है। तो आपको ना सबसे पहले बहुत क्लियर होना चाहिए, हमेशा ना हम बोर्ड कंपटीशन करते रहते हैं, जैसे मैं अपने सभी सेशंस में बोलता हूं बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना उसकी तह तक जाओ, अगर आप बोर्ड और कॉम्पिटिशन दोनों पैरेलली करने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी तह तक जाओ, आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, अरे बने क्यों हैं, क्या पर्पस है इनका, इनका वजूद क्या है इन एग्जाम्स का, क्योंकि अगर आप उसकी डेप्थ तक जाओगे ना, आगे के मैनेजमेंट के डिसीजंस, आगे के आपके डिसीजन क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है उसमें पड़ेगा। तो बड़े क्लियरली समझ लीजिए, बोर्ड का पर्पस है आपको पढ़ा लिखा बनाना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना, आपको एक सर्टिफिकेट देना जो ये बोले कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्पस ये नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पर्पस है फिल्टर करना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, जो बच्चे कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनमें से क्रीम को निकालना, उनमें से क्रीम को निकालना। तो क्रीम जब निकलेगी वही क्रीम अच्छे कॉलेजेस में जाएगी, वही अच्छे कॉलेजेस में अच्छी कंपनीज आएंगी, वही अच्छे कॉलेजेस आपके MBBS आपको सीट देंगे, या आप फ्यूचर में MBA कर पाएंगे, आप GRE GMAT कर पाएंगे, आप CA कर पाएंगे, आप कॉमर्स में बहुत अच्छी जगह जा पाएंगे, क्योंकि क्रीम में आ जाएंगे आप। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्रीम में लेके आते हैं, राइट? दिस इज द की वर्ड ओवर हियर, कैन यू बी द क्रीम, दिस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या आप क्रीम बन सकते हैं बिल्कुल जो ऊपर आती है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्रीम में लेके आते हैं, राइट? तो पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए। देन मैंने एक पूरी
अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्ट बनाइए, फिर मैं आपको धीरे धीरे वो पांच नुस्खे बताऊंगा, पांच पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको आज से फॉलो करना शुरू कर दो। जो बच्चे नाइन्थ एंड टेंथ में, सिर्फ टेंथ वाले नहीं, नाइन्थ वालों के लिए और फायदा है, टेंथ वालों के लिए भी है, आपके पास छह महीने है अभी, आज से फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, आज से ही तरक्की स्टार्ट है आपकी जीवन में, मतलब मजे आ जाएंगे, फट्टे चक दोगे यार। और जो मेरे रेगुलर बच्चे सेशन देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर डालिए चक दे फट्टे #CDF, मुझे काफी अच्छा लगेगा। बच्चों, स्कूल और कंपटीशन में ब्रॉड डिफरेंसेस क्या हैं, तो ये जरा समझते हैं। पहली चीज, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। आप बोलोगे सर इतना आसान तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है, नेचर वैसी है, मुश्किल चीजें भी आती हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बट बेसिकली कुछ दिया हुआ है, कुछ समझना है और उससे कुछ मार्क्स लेके आने हैं, और ये है एप्लीकेशन बेस्ड। ये आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बहुत कम देता है, ये अप्लाई करवाता है, ये इंजीनियरिंग माइंडसेट, ये डॉक्टर माइंडसेट, ये मैनेजमेंट माइंडसेट, ये अकाउंटेंसी माइंडसेट, ये आईएएस माइंडसेट को उजागर करता है बच्चों, ये एप्लीकेशन करवाता है उस चीज की, राइट? बहुत फर्क है, धीरे धीरे करना शुरू करोगे तो पता चलेगा। सब्जेक्टिव होते हैं बोर्ड के पेपर, लिखना है लिखना है लिखना है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में भी उन्होंने बहुत ज्यादा पैटर्न्स के साथ खेल लिया, बहुत ज्यादा उन्होंने चीजें ऐसी कर दी हैं कि सब्जेक्टिव वाली चीजें भी ऑब्जेक्टिव में घुसा दी हैं कि तुक्के ना लगे, राइट? फिक्स्ड पैटर्न होता है, दो नंबर के क्वेश्चन, तीन नंबर के क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली वैसे असर्शन रीजन भी आ गया है, पिछले साल ऑब्जेक्टिव भी हुआ था, बट ओवरऑल नेचर यह है, हमें आदत इसकी पड़ी हुई है, चेंजेस वहां भी आ रहे हैं, देखो वो भी कॉम्पिटिशन की तरफ जा रहे हैं, यहां पर भाई साहब पैटर्न ही बदलता रहता है हर बार, नीट का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, कभी नेगेटिव मार्किंग, कभी मैट्रिक्स मैच, कभी ये, कभी वो, बदलता रहेगा, है ना? पंगे इन्होंने पानी है, राइट? फिर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती इसमें, जो करोगे उतना मिलेगा। यहां पे भैया गलत भी कर दिया ना, ये आपको लाइफ की चीजें सिखाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गलत करोगे ना नेगेटिव हो जाएगा, मतलब किसी के साथ गलत करोगे आपके साथ भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव बड़ा ध्यान रखना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। देन ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस है, इसका मतलब, और ये रिलेटिव है, इसका मतलब यहां पे रैंक का कोई मतलब नहीं है, यहां पे परसेंटेज का मतलब है, मार्क्स कितने आए, 30 में से 30 सबके आ गए, सब अच्छे, यहां पे भाई साहब रिलेटिव है, सारे अच्छे नहीं है, चाहे 100 में से 100 ले आओ, फिर वो टाइमर देखेगा, फिर वो देखेगा किस सब्जेक्ट में 100 में 100 है, फिर वो एज देखेगा, उसके बेस के ऊपर आपकी रैंक निकालेगा। ये रैंकिंग है, ये पोजीशन है, तभी तो क्रीम पे आ पाओगे, सब अच्छा कर लो तब भी पोजीशन है। आपको पता ना आईआईटी वालों की जेई जो स्पेसिफिकली आईआईटीज हैं, जो इंडिया के 23 आईआईटीज हैं, उनका एक जॉइंट एडमिशन बोर्ड है, उनकी बड़ी लड़ाई होती है सीबीएसई वालों के साथ, बड़ी लड़ाई होती है, बहुत सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं, अब एनटीए के साथ होती है, ये हमेशा चाहते थे एक पेपर हो, हमेशा चाहते हैं एक पेपर हो, बच्चों को अलग अलग पेपर ना देने पड़े, जॉइंट एडमिशन बोर्ड कहता है मैं एक पेपर नहीं होने दूंगा, आप बोर्ड के बेस के ऊपर मेरे को एडमिशन नहीं, मेरे को तो अपना पेपर लेना है, मेरे को तो अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, क्यों? क्योंकि उनको पता है यार, उनको जो स्किल्स चाहिए, उनको जो बच्चों के अंदर टेम्परामेंटिंग टेस्टिंग चाहिए, उनको जो बच्चों के अंदर वो चीजें देखनी है, बोर्ड एग्जाम नहीं दिखा पाएगा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। देन लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इजी टू मीडियम है, ये हाई है, मुश्किल हो जाता है, इवन ऑब्जेक्टिव नेगेटिव हो जाता है तो उससे अपने आप ही मुश्किल हो जाता है, बट एप्लीकेशन बेस्ड और मुश्किल कर देती है। सबसे अच्छी बात, कोई स्किपिंग की ऑप्शन ही नहीं आपके पास बोर्ड के लिए, देना ही देना, बोर्ड कॉम्पिटिशन नहीं दोगे चलेगा, ऑप्शनल है, ठीक है, बोर्ड ना दो भैया अनपढ़ कहलाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, बोर्ड तो देना पड़ेगा आपको, स्कूल का पेपर तो देना पड़ेगा आपको, स्कूल तो जाना पड़ेगा आपको, है इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी बोलो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं कहीं पे डिनाई नहीं कर रहा। 99.5% सक्सेस रेट, सक्सेस रेट का मतलब पास हो गए, अरे पास है, 99% बच्चों को पास कर दिया जाता है, राइट? कि यार पास हो जाओ, देश को आगे बढ़ाओ, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले, सब मिले, राइट? लिखो जरा कमेंट्स में और डिफरेंसेस लिखो अगर आपको समझ में आते हैं तो। दूसरा, यहां पे भैया 0.5-1% सक्सेस रेट है, कोई भी अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा लो, आप जेई उठा लो, आप नीट उठा लो, आप सीए उठा लो, 1-2% मैक्सिमम, 100 में से 98 रिजेक्टेड, 2 सेलेक्टेड, तभी तो क्रीम बोल रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं मलाई की तरह ऊपर आना है आपको, जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो अगर आप मलाई बन सकते हो, बाकी दूध साइड पे अगर वो मलाई बन सकते हो, एंड अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हो, वेदांत को फॉलो करते हो, टीचर्स को फॉलो करते हो और हमारी दी हुई टिप्स को फॉलो कर पाते हो, तो आपका चांस है यहां पे आने का, मेरे प्यारे बच्चों, ये एम है हम सबका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 10 नहीं है 9 ही है, करिकुलम बेस्ड है और ये करिकुलम प्लस है, हैं दोनों करिकुलम वाले, दिस इज प्योरली करिकुलम बेस्ड, किताब का सिलेबस, किताब के क्वेश्चन, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, ये करिकुलम प्लस 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 प्लस। आइडिया दे दिया बॉस,
गीता पढ़ ली, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने आप निकालो, गंदे से गंदे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गंदे से गंदे पैटर्न के साथ, राइट। दीज आर द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन स्कूल एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, राइट। अब क्वेश्चन आता है जो बच्चे पूछते हैं, जो मैं इतने सालों से, पिछले 15 सालों से बच्चों को बता रहा हूं, क्या क्वेश्चन आता है? यार क्वेश्चन आता है, सर कैसे मैनेज करें सर टाइम, सर कंपटीशन कैसे मैनेज करें, सर स्कूल सारा टाइम ले लेता है सर, राइट, सर सर यूनिट टेस्ट है, सर होमवर्क बहुत है, सर मैम गुस्सा करेगी, सर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, सर पेरेंट्स तो स्कूल के मार्क्स देखते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं यार ये सारी, है ना। अब इन दिक्कतों की कोर जड़ मैं आपको बताता हूं, कोर जड़, दिल पे हाथ रख के सच से बोलना या नहीं बोलना, राइट। अभी मुश्किल लगेगा बट मैं पिछले 15 सालों से अपनी टीचिंग लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ प्लस मैनेजमेंट लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर चुका हूं, ये हमेशा चलता है, तो जितनी जल्दी अडॉप्ट कर लोगे वो मान लूंगा। हम हमेशा मैनेज करते हैं स्टफ को या कोई भी काम को या टाइम को या एनीथिंग को जब हम उसको काम की तरह लेते हैं, जब हम उसको लोड की तरह लेते हैं। आप मैनेज वर्ड ही तभी आता है जब आपका वो रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है, आपका वो हिस्सा नहीं है जीवन का। अगर आपके जीवन का वो हिस्सा नहीं है तो आप उसको मैनेज करोगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो मैं उन 5 तरीकों में आने से पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, जरा कमेंट्स में डालिए कि ये सच है या नहीं है। इफ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ वी डोंट मैनेज इट, वी लिव इट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप सबके साथ देखना जरा, मेरा हॉबी है या मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है, मैं क्रिकेट मैच देखता हूं यार, मैं उसके लिए 2 बजे भी उठ जाता हूं रात को, मैं 6 बजे भी उठ जाता हूं, मैं 12 बजे भी सो जाता हूं, मेरा पैशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज आई लव इट। क्यों लव इट? मुझे प्यार है क्रिकेट से, राइट। खेलने के लिए नहीं उठता, वो आप मेरी सेहत से देख रहे हो, राइट। देखने के लिए उठता हूं, कमेंट्री सुनने के लिए उठता हूं, और कोई भी कंट्री का मैच है उसके लिए भी उठ सकता हूं जब मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो, तो मुझे वो मैनेज करना ही नहीं पड़ता, मेरे को मैनेज नहीं करना पड़ता वो चीज, राइट, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई लव इट, आई हैव अ एम टू सी इट, आई एंजॉय इट। तो आप सिर्फ तभी मैनेज करते हो जब वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होता। क्या आप ब्रीदिंग को मैनेज करते हो? क्या सांस लेने के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ता है? क्या नहीं? क्या आप अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने को मैनेज करते हो? क्या क्या आप खाने को मैनेज करते हो? क्या क्या आप सोने को मैनेज करते हो? क्या नहीं करते हम ये सारी चीजें? जो आपकी फेवरेट चीज है, क्या आप उसके लिए टाइम निकालने के बारे में सोचते हो? क्या आप निकाल लेते हो? वो निकल जाता है। आपके मम्मी पापा इतनी सारी चीजों के साथ, क्या आपकी मम्मी खाना बनाना विद जॉब और विद हर अदर कोर्स इन द डेली डे दैट शी डज, डज शी मैनेज इट कि मुझे खाना बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा? इट्स अ पार्ट ऑफ हर रूटीन, शी हैज अब्सॉर्ब्ड इट। तो क्या मैनेज करने के लिए हमें हॉबीज को मैनेज करना पड़ता है? नहीं। क्या हमारे मम्मा पापा मैनेज करते हैं? नहीं। उनको लगता है कि मैं जॉब के साथ साथ आप लोगों को कैसे पालूंगा, आप लोगों के अंदर कैसे मैं अच्छी आदतें डालूंगा? नहीं, इट्स अ पार्ट। सो टिल द टाइम यू मेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कॉम्पिटिशंस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, यू विल ऑलवेज फील इट टू बी मैनेजिंग। सो इट हैज टू बी इंग्रेन्ड इन यू। सबसे पहले तो यहां तक आना चाहिए, राइट। नींद को मैनेज करते हो? नो, राइट। तो अब आते हैं उन 5 तरीकों के ऊपर जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला तरीका नहीं है, ये 0th तरीका है, राइट। ये 0 है, 1 to 5 तो बाद में आएगा, दिस इज 0, क्योंकि ये ना हुआ ना तो नंबर्स का कोई फायदा नहीं, और 1 to 5 में भी कोई फायदा नहीं होगा। दिस इज 0। सेट अ क्लियर गोल, छोड़ दो, सारे बोलते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप यार करना है IIT नीट या CA या UPSC टाइप की चीजें लाइफ में, या देखेंगे? इस क्वेश्चन को ना घोट लो, इस क्वेश्चन को सोचो, टाइम लगाओ इसके ऊपर, सो इसके ऊपर 2-3 दिन, सिर्फ ये सोचो यार करना है या देखेंगे हो गया तो। बहुत फर्क है इन दो चीजों में, बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क है बच्चों, मतलब इतना फर्क है मैं आपको बता नहीं सकता। ये डिसाइड करेगा कि आप क्या करने वाले हो लाइफ में, करना है या देखेंगे। क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग सारे बच्चे, आप खुद को जानते हो यार, हम ना देखेंगे की अप्रोच से चलते हैं, साथ ही साथ हम बोलते हैं करना तो है पर देखेंगे। ऐसा नहीं होता बॉस। अगर करना है तो देखेंगे नहीं होता, फिर तो करना है बॉस। अगले 3-4 साल जो जीवन के हैं ना, ऐसे बीतेंगे, और मैं बता रहा हूं याद रखोगे ये 3-4 साल, जिंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि ये 3-4 साल आपकी लाइफ को कहां से कहां उड़ा देंगे। आप अपने ऊपर आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे या 15 मिनट इन्वेस्ट करोगे, कल को ये आपके
10,000 करोड़ भी बन सकते हैं जिस टाइप से आजकल स्टार्टअप्स बन रहे हैं। इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर, तो पहले सोच लो यार करना है या देखेंगे, क्योंकि अगर करना ही नहीं है ना या फिर ऑप्शन है ना, फिर ना वो 5 टिप्स का कोई फायदा नहीं है, फिर आराम से जागना, कोई चक्कर ही नहीं है फिर तो जीवन में यार, फिर तो चिल मारो, मतलब जब तक मार सकते हो चिल मारो। भगवान का दिया हुआ बहुत पैसा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, या किस्मत बड़ी अच्छी जाग गई, भगवान के ऊपर अनंत विश्वास है कि मैं बिना कर्म करे भी मुझे किस्मत सब कुछ दे देगी, तो चिल मारो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन डेस्टिनी, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन फॉर्च्यून, मैं खुद से सब कुछ करना चाहता हूं और पा के रहूंगा, इफ यू हैव टू बी डिसिसिव, तो भैया करना है, फिर देखना नहीं होता, फिर तो जान लगानी है जीवन में, फिर कुछ बीच में नहीं आता, फिर कुछ स्कूल नहीं, कुछ नहीं आएगा, स्कूल होगा, मैनेज नहीं करना होगा, इट विल फ्लो, क्योंकि आपके माइंड में आ गया यार करना है, दिस नॉट एन ऑप्शन, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू कुड बी क्विटिंग राइट बिफोर यू नो योर सक्सेस। गिव अप नहीं मारना, गिव अप नहीं मारना, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ये बोलना आसान है, और क्यों बोल रहा हूं आज मैं हमेशा इस चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं। आप बोलते सर आप क्यों बोल रहे हो, यार मैंने किया। आपके जो टीचर्स आके बोलते हैं ना, दे हैव वर्कड हार्ड, दे हैव मैनेज्ड स्कूल एंड कॉम्पिटिशन, दे हैव मैनेज्ड देयर जॉब्स, दे हैव मैनेज्ड देयर लाइव्स, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ टूडे, दैट इज वाई वी आर स्टैंडिंग एट वेदांतु एंड गाइडिंग यू ऑल। वो बोलते हैं ना, वॉरेन बफे बोलता है हमेशा, कुछ लोग बोलते हैं यार पैसे से क्या होता है, वॉरेन बफे बोलता है पहले कमा लो, पहले कमा लो फिर बोल देना पैसे से क्या होता है, बिना कमाए मत बोलना। तो हम लोगों ने ये किया है, एक क्लियर गोल रखा है लाइफ में, उसको अचीव किया है, एंड फिर जाके हम आपको बोल रहे हैं कि आप भी ये कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आके सिर्फ फंडे दे रहे हैं, किया हुआ है, जो आके यहां पे इस पेडेस्टल पे आके बोल रहा है आपको, या आपके सारे टीचर्स जो बोलते हैं, दे हैव डन इट एंड दे वॉन्ट यू टू डू इट। सो हैव अ क्लियर गोल। देन सबसे पहली टिप, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी पे लिखो साथ साथ ये 5 चीजें, ये 5 टिप्स अप्लाई करना, जब भी नहीं कर रहे होगे वापस इसके ऊपर चले जाना, बस 5 मिनट लूंगा खत्म करूंगा। 5 ways टू मैनेज स्कूल एंड कॉम्पिटिशन, नंबर 1, पहला नंबर 0 था कि यार पहले तो डिसाइड कर लो, जी लो उस चीज को। दूसरा, मतलब फर्स्ट, कोई एक सब्जेक्ट उठाओ यार, देखो जिसकी तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है चलने दो, ही कैन जस्ट मनूवर अलोंग द टिप। जिसको दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चों को आती है, स्टार्ट कैसे करें, 9th वालों को आएगी, 10th वालों करें, 6 महीने रहते हैं यार क्या करूं। पहले ना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट सोचो यार, जिसको आप कॉम्पिटिशन्स के साथ अटैच करो, क्योंकि हर चीज करने जाओगे ना नहीं हो पाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मोटा मोटा जेई और नीट की तरफ जिसको जाना है, कॉमर्स में जाना है तब भी मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी जाना है तब भी इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंटल एबिलिटी अभी आ जाता है, बट दैट कैन नॉट बी फेवरेट इवन इफ यू लाइक इट, बिकॉज ड्रीम के साथ बिल्कुल साथ साथ नहीं चलता है, सिर्फ 10th तक चलेगा, राइट? बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सब्जेक्ट चूज कर लो यार। मेरे हिसाब से वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, जो बच्चे जेई के लिए एम कर रहे हैं उनका मैथ्स फेवरेट होना चाहिए, फिजिक्स सेकेंडरी होता है, अपने आप मैथ्स के साथ फिजिक्स हो जाती है। जो बच्चे नीट के लिए एम कर रहे हैं, बायो, डबल वेटेज है फिजिक्स और केमिस्ट्री से, बायो शुड बी योर फेवरेटेस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, साथ में आपके फिजिक्स का हल्का फुल्का चलता रहेगा तो आप नीट का सक्सेस पा लोगे। एक सब्जेक्ट चूज करो, सारी चीजें करने जाओगे फाउंडेशन के लिए, आईआईटी के लिए, अभी से फंस जाओगे यार, सारी चीजें नहीं करनी है, एक चीज डीप करेंगे, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट पे फोकस सबसे पहले, सारे सब्जेक्ट्स नहीं उठाने हैं, हो पा रहे हैं वेल एंड गुड, बट एक के अंदर सुपर डीप जाओ। फिर दूसरी बात, ये बहुत क्रिटिकल है, आप कॉम्पिटिशन करो या ना करो, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, खुद से काफी चीजें करनी होंगी। आप अगर 9th-10th में आके वो आदत नहीं डाल रहे हो खुद से करने वाली, तो आप फंसोगे बॉस आगे जाके, राइट? ट्राई एंड रिमेन अहेड ऑफ स्कूल सिलेबस, आप लोग अपने स्कूल से प्लीज 2-3 महीने आगे चलिए। स्कूल का सिलेबस अगर दिसंबर में खत्म होता है, आपका सितंबर में खत्म होना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे, ये आपको फिगर आउट करना है, क्यों कैसे? आपके पास एनसीईआरटी है, आपके पास स्कूल की रेफरेंस बुक है, लखमीर सिंह है, मंजीत कौर है, आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, जो भी किताबें हैं आपके पास, आईसीएसई की इनोवेटिव फिजिक्स है, सलीना है, वॉट एवर यू हैव इट विद यू ना, उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है ना, पढ़ सकते हो ना इंग्लिश, सच बता रहा हूं, ये मैंने कॉलेज में आके सीखा था, उससे पहले सीख लिया होता तो मैं आज और आगे चला जाता लाइफ में, राइट? अगर आप बुक के अंदर खुद से पढ़ते हो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स देखते हो और एक्सरसाइज करते हो, मैं आपको बता रहा हूं आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी टीचर की यार, लोड ही नहीं, मतलब समझ बता रहा हूं, मतलब है ही नहीं जरूरत, क्यों?
Why do you need a teacher? You need a teacher to guide you, not to teach you, guys. Mentor चाहिए आपको, आपको teacher नहीं चाहिए. तो खुद से पढ़ के देखो एक बार, आगे के chapter, school level के तो कर सकते हो, करो. मैं बता रहा हूं आज एक chapter उठाओ maths का जो नहीं कराया school वालों ने, खुद करो, होगा. उससे आपको क्या मिलेगा, आप आगे बढ़ोगे और स्कूल की टेंशनें पीछे रहेंगी क्योंकि आप आगे होगे. कल को आपको कोई क्लास मिस करनी पड़ी, कल को आपको कुछ कंपटीशन पे ज्यादा फोकस करना होगा, दिस विल कम एज एन एडवांटेज टू यू ऑल. सो रिमेन अहेड ऑफ स्कूल सिलेबस, फिनिश योर स्कूल सिलेबस मच मच बिफोर द स्कूल डज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज हु आर एमिंग कॉम्पिटिशन. अब तो मैं कह रहा हूं टीचर छोड़ो, यूट्यूब है ना वेदांतु का, वेदांतु के माइक्रो कोर्सेज है ना वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, कर लो यार उससे अगर जरूरत भी पड़ती है तो. वीडियो देखो, सॉल्विंग करो, खत्म. मैंने दो चैप्टर निपटा दिए बॉस आगे के, क्या चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है, राइट. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसके अंदर फंसे रहते हैं यार. इनके लिए सब कुछ प्रायोरिटी है, हमें प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, हमें होमवर्क भी करना है, हम ये भी करेंगे, हम डांस भी करेंगे, हम म्यूजिक भी करेंगे, हम बैडमिंटन भी खेलेंगे, हम जिम भी जाएंगे, हम ओटीटी भी देखेंगे. अरे नहीं हो पाएगा बॉस. तभी मैंने बोला ना आप तभी मैनेज करने की बातें करते हो क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है. अगर आपकी प्रायोरिटी है आईआईटी जेई नीट, तो मैं ये नहीं कह रहा पागलों की तरह नौवीं दसवीं में पागल हो जाओ, ना. मैं कह रहा हूं बाकी चीजें काटना शुरू करो ना लाइफ में, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस मारो यार. स्कूल में एनुअल फंक्शन है, उसके लिए आप इतना टाइम लगाओगे यार, है प्रायोरिटी, कर लो थोड़ा बहुत जितना टाइम निकलता है एक्स्ट्रा करके कर लो. पर अगर हर उसी के अंदर ही बोलोगे और खुद को फिर बहाने दोगे यार ये था यार वो था, मेरा तो एनुअल फंक्शन में टाइम निकल गया मेरा, अरे यार किसको बता रहे हो, किसको बता रहे हो, खुद को बोल लो ना, खुद से बात कर लो ना. आपको पता है आपने टाइम वेस्ट किया और वो वेस्ट नहीं हुआ. मैं नहीं कह रहा वेस्ट है, अगर आपका गोल आईआईटी या नीट था तो बॉस वेस्ट किया है. तो आप टाइम लगा सकते थे, आपको मैनेज करना था. या फिर अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से टाइम निकाल पा रहे हो, वेल एंड गुड, कर लो. बट अगर आप बोलते हो मेरे को टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, आई डोंट एग्री, सॉरी टू से आई डोंट एग्री. आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है. क्लियर योर प्रायोरिटीज एंड वर्क फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स ऑन योर प्रायोरिटीज, यू विल गेट अ सक्सेस. जब लोग स्टार्टअप करते हैं तो सारी चीजें नहीं कर रहे होते, जॉब भी करूंगा, स्टार्टअप भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, फिर जान लगाते हैं एक चीज में. तो एक चीज उसके अंदर जान लगाओ, प्रायोरिटीज बहुत क्लियर करनी चाहिए आप सबको अपनी, वरना फंसोगे. फोर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, ये तो आपको आज से शुरू कर देनी चाहिए और कॉपी पे लिख लो इस चीज को. फिक्स अप योर कॉम्पिटिशन आवर. ये वो एक घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर है मेरे प्यारे बच्चों, ये मिनिमम 45 मिनट्स, मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर. दिस कॉम्पिटिशन आवर एवरीबडी इन योर फैमिली शुड नो, यू शुड नो. स्टिक इट ऑन द पेपर, ऑन योर नोटिस बोर्ड या ऑन योर वॉल और एनीथिंग, दैट माई कॉम्पिटिशन आवर इज वॉट एवर, से 5 AM टू 6 AM in the morning, 11 to 12 in the night, 6 to 7 in the evening, whatever, either it has to be early morning or late night. But this competition hour does not change, kuch bhi ho jaye, daily, wo wale 45 minute nahi hilne wale ho. Aur us 45 minute mein, aap kuch aur nahi karne wale ho. Aap school ka koi kaam nahi karoge, assume aapka reh bhi gaya kaam, aap bina homework ke jaoge, gaali khao, daant khao, bahar nikal dein. Wo competition hour compromise nahi hoga, kyunki wo habit jo aap daloge agle 2 saal, 10th ke andar agle 6 mahine, 9th ke andar agle 1.5 saal, ye jo ek ek ghanta hai na aapka, ye aapki life ko yahan se yahan le jayega. Promise, habit ban jayegi uski. वो एक घंटा, वो 45 मिनट मिनिमम है, एक घंटे तक लेके जाना है मिनिमम, और तो बढ़ा ही सकते हो, एक का दो चार पांच करो, आपकी इच्छा है, जैसे आप मैनेज करते हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका टाइम है, आपके स्कूल है. एक घंटा जैसे मर्जी निकालो. तो मैंने वही बोला ना, अगर आप बोलोगे निकल नहीं रहा है तो इसका मतलब आपकी वो प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, या इसका मतलब आपके अंदर वो अभी उतनी शिद्दत नहीं आई है, वो बिलीफ नहीं आई है, वो इच्छा नहीं जागी है कि आप वो बड़ा कुछ करना चाहते हो. क्योंकि अगर वो इच्छा है आप निकाल लोगे एक घंटा, एक घंटा, सिर्फ एक घंटा फिक्स, उस टाइम पे कुछ नहीं होगा. क्या करोगे उस टाइम पे वो अलग से मैं सेशंस लूंगा. यू कैन स्टार्ट डूइंग एनीथिंग फ्रॉम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एनटीएससी के क्वेश्चन कर लो, आईआईटी के चैप्टर्स उठाने शुरू कर दो, आगे के 11th की चीजें कर सकते हो 9th में, क्यों नहीं कर सकते हो. 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओ, 11th का उठाओ, करना शुरू करो. या जहां पे भी आप ट्यूशन जा रहे हो, जो भी आप बुक्स देख रहे हो, दो चार बुक्स देखो, दो चार यूट्यूब चैनल देखो, लेकिन उसमें शुरू करो. सिर्फ कॉम्पिटिशन की बात करोगे अपने अंदर और कुछ नहीं करोगे. जेई 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 होगा, नीट 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 होगा.
सीए होगा आईएएस चाहे उस टाइम यूट्यूब वीडियो देख लो आप उनके, बट आप वो एक घंटा कुछ नहीं करोगे. दिस कॉम्पिटिशन आर विल चेंज योर लाइफ एंड यू ऑल नीड टू प्रोमिस मी इन द कमेंट्स बॉक्स टूडे वॉट विल बी योर कॉम्पिटिशन आर. मैं पूछता रहूंगा एक एक महीने के बाद क्या ये फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज रेजोल्यूशन लेते हैं और अगर हम वो बता दें लोगों को ना तो गिल्ट आती है. और मैं फॉलो अप लूंगा आपसे हर वेदांतु के सेशन में आके कि कितने बच्चे अपना कॉम्पिटिशन आर फॉलो कर रहे हैं जुडिशियसली. अगर ब्रेक किया दोबारा बीच में छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है अपना कॉम्पिटिशन आर फिक्स करना राइट देन. और उस टाइम पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन डिजायर टाइम में नहीं हुआ, आपने एक घंटा लगाया, दो ही सवाल हो पाए, एक ही सवाल हो पाया, कोई सवाल नहीं हो पाया, कुछ समझ नहीं आया, कोई चक्कर नहीं, कल दोबारा बैठेंगे, परसों दोबारा बैठेंगे, कोई डरना नहीं है. द पॉइंट इज टू मेक इट अ हैबिट. क्या करना है वो डिस्कस करते रहेंगे. अगर आप बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताते हो हमारा कॉम्पिटिशन आर फिक्स हो गया, फिर मैं अलग अलग बच्चों के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको टिप्स लेके आऊंगा व्हाट टू डू इन दैट कॉम्पिटिशन आर बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. बट पहले फिक्स तो करो, पहले शुरू तो करो रैंडम, सिर्फ वही टाइम पे मैं सिर्फ कॉम्पिटिशन करूंगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, कॉम्पिटिशन अभी ये वाला चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन उठा लेंगे ना. रेज द बार ग्रेजुअली, इसका मतलब है वोवले चैप्टर्स उठाओ बच्चों, वोवली चीजें उठाओ जो आपकी हो चुकी हैं बहुत स्ट्रांगली, वोवली चीजें. जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया बहुत अच्छे से, या पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया आपने बहुत अच्छे से, आपको स्कूल का सारा आता है, आरडी शर्मा सारी आती है, उसका कॉम्पिटिशन उठाओ. हर चैप्टर नहीं उठा पाओगे, ज्योमेट्री का कॉम्पिटिशन उठाने लग जाओगे नहीं हो पाएगा, रियल नंबर्स का उठाने लग जाओगे नहीं हो पाएगा. नाइन्थ वाले नाइन्थ की कोऑर्डिनेट कर ली, टेंथ की कर लो, दैट इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन. एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो ना आप, करिकुलम से प्लस जा रहे हो ना. ग्रेजुअली बार को उठाएं, सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश प्लीज 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 मत करें मेरे प्यारे बच्चों राइट. वही चैप्टर्स उठाएं जो आपके फेवरेट हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिफोर आई रैप इट अप इन नेक्स्ट टू मिनट्स. आप स्कूल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको स्कूल की फालतू वाली चीजें काटनी है अगर फालतू है तो, अगर एक्स्ट्रा लग रही है वो चीजें, अगर आपको लग रहा है मन से कि यार इससे मेरा फायदा नहीं होगा हटा दो, बट स्कूल को इग्नोर नहीं कर सकते, उसके एग्जाम्स में मार्क्स आने तो बहुत जरूरी है यार, है ना. देन टेस्ट और अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अलग से सेशन लूंगा. पहले आदत तो पड़े कॉम्पिटेटिव माहौल में आने की, फिर हम ये सब भी करेंगे. काम एंड चिल्ड बिफोर द एग्जाम स्टार्ट. जो आप अगर मेहनत कर रहे हो फिर भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, तुहानू अपने आप लेके जाऊंगा जिथे तुसी जाना है ना, जहां पे आपने जाना है, जहां पे आपका रास्ता है, भगवान आपको अपने आप वहां पे लेके जाएगा. एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने सारे सेशन में बोलता आ रहा हूं, द सूनर द बेटर. जितनी जल्दी शुरू कर दोगे बॉस, लाइन ऐसे नहीं जाने वाली है, लाइन ऐसे जाने वाली है. तो जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी इस ग्राफ को मानोगे, क्योंकि पहला कुछ टाइम इन एक्सपीरियंस में निकलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, बट लगे रहना है, डटे रहना है, फिर एंगेजमेंट हो पाएगी आपकी, मतलब कुछ कुछ चीजें कर पाओगे और लास्ट में आप मास्टरी कर पाओगे. जितनी जल्दी आओगे चैलेंजेस को पार करते जाओगे, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन जी, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. तो अगर आप अभी से प्लान नहीं कर रहे हो अपने अगले 3-4 साल लाइफ के, उसके लिए आदतें नहीं डाल रहे हो, उसके लिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो बॉस यू आर प्लानिंग टू फेल. फिर ड्रीम्स मत बोलना मेरी ड्रीम थी, ड्रीम वो होती है जिसके लिए बंदा पागल हो जाता है. आर यू लिविंग जेई, आर यू लिविंग नीट, आर यू लिविंग आईएएस? इफ नॉट देन यू आर नॉट, देन इट्स नॉट योर ड्रीम. डोंट फूल योर सेल्फ और अदर्स राइट. सो यस, अर्ली एंड ये तो हमेशा ही है, पॉजिटिव रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान अपने आप फल दे देगा. वर्क स्मार्ट, वर्क हार्ड, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. और ऐसी और चीजों के लिए टेलीग्राम पे आ जाओ, फाउंडेशन का चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज कम एंड विजिट अस, टॉक टू अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, फॉलो द क्विजेस, फॉलो द क्वेश्चंस ओनली अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड ओलंपियाड ऑन दिस चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट. एंड दीज आर रिजल्ट्स जो आप सबको पता है, बहुत बच्चे यही स्ट्रेटेजीज फॉलो करके ये सब रिजल्ट्स निकाल चुके हैं, एनटीएससी में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, केवीपीवाई में, ओलंपियाड में, यू नो जेई मेन एडवांस, सब जल्दी स्टार्ट करके कर चुके हैं राइट बच्चों. सो आई विल सी यू अगेन ऑन थर्सडे 6th October 6 PM विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मेंटल एबिलिटी. टिल देन स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स. कमेंट्स में जाके प्लीज लिख के बताइए मुझे आप इनमें से कौन सी टिप फॉलो करते हैं और करेंगे. कॉम्पिटिशन आर बताइए अपना, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. टिल देन थैंक यू वेरी मच. आई होप यू ऑल लव्ड माय सेशन एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ऐसी कौन सी चीजें आपको और चाहिए कंपटीशन के बारे में, मैं उनके बारे में लेके आऊंगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरी मच बच्चों, बाय बाय.